गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बच्चों क्लास फाइव में आज बेटी पढ़ाओ देश बचाओ इस कविता को मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम सभी लोग को पढ़ना है, तुम देख लो कि कविता में जो चित्र में पहला चित्र है उसमें बीमार एक लड़का है और उसका इलाज करने वाली एक लड़की डॉक्टर है। दूसरे चित्र में देख लो कि एक वकील है और एक वकील है जो कोर्ट में काम करती है, केस लड़ती है, कानून का हिफाजत करती है, संविधान की रक्षा करती है, और दूसरा एक लड़की है जो स्कूल जा रही है। ऊपर के चित्र में एक लड़की डॉक्टर है, इधर स्कूल है जाने वाली लड़की है, इधर वकील है। तीसरा ये लड़की जो है ये इंजीनियर है जो इस बिल्डिंग को बनाने काम कर रही है, और चौथे चित्र में यह लड़की स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है। और वह भी क्या पढ़ा रही है, ध्यान से देखो, मैथ्स पढ़ा रही है, गणित पढ़ा रही है। चौथे चित्र में देखो गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तीन बच्चे हैं उसमें एक दो लड़की है और एक लड़का है, और पाँचवे में पिताजी अपनी बच्ची को कंधे पे लेके और लड़की को लेके स्कूल के तरफ जा रहे हैं, और कितना खुशी खुशी से ये पढ़ने जा रहे हैं, इसके पिता इसको लेकर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, इस कविता का नाम ही है बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। यदि बेटियां पढ़ती है तो हमारा देश जो है आगे की ओर अग्रसर होगा, मतलब विकास करेगा, डेवलप करेगा। इसलिए हमें हर हाल में बेटियों को, लड़कियों को, नारियों को शिक्षित करना पड़ेगा। एक बेटी पढ़ेगी जब वह पढ़ के बड़ा होगी तो वह एक अच्छी नागरिक बनेगी, और जिस घर में फिर वह विवाह होकर जाएगी तो वह परिवार पढ़ेगा। एक बेटी पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, यह धारणा है इस कविता का। इस कविता को आनंद विश्वास ने लिखा है। इस कविता के कवि कौन है, आनंद विश्वास, ठीक है बच्चों। और इस कविता का जो संदेश है देख लो, संदेश यहाँ है, बेटी बेटा पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ। कहने का मतलब है कि पहले ज़माने में एक धारणा बन गया था कि सिर्फ बेटा पढ़ेगा बेटी नहीं पढ़ेगी, लेकिन अब बेटी और बेटा का समान अधिकार है हर चीज़ों पर, और यदि दोनों को हम अच्छे से पढ़ाते हैं तो हमारा देश तभी तरक्की करेगा, हमारा राष्ट्र तभी सबसे सोने के चिड़िया फिर से बन जाएगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा यदि माता पिता दोनों को पढ़ाते हैं। और यह कविता ही नहीं, एक शिक्षक होने के नाते मेरी भी यही मान्यता है कि लड़कियों को जितना पढ़ाया जाए, जितना अच्छा से सिखाया जाए, वह घर और वो लड़की जो है उतना ही समृद्ध और स्वावलंबी बनेगी, किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। जो लड़की स्वयं पढ़ती है और पढ़ लिख कर एक शिक्षित बनती है, एक अच्छा जगह पे नौकरी पा जाती है, तो वह स्वावलंबी बनती है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी जब बनती है तो उसको समाज में अवश्य इज्जत मिलता है। आर्थिक का मतलब पैसे से वह मजबूत यदि होगी तो समाज उसका इज्जत जरूर करेगा। तो पहले शिक्षित होगी तो फिर उसको नौकरी मिलेगा तो वह पैसे से मजबूत हो जाएगी, और जब पैसे से मजबूत हो जाएगी तो समाज उसका स्वयं उसका आदर सत्कार करेगा। बच्चों यह कविता है, मैं पढ़ाता हूँ, तुम सभी को याद रखना ये कविता। नानी 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 वाली कथा कहानी,
नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, अब के जग में हुई पुरानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग के नए दौर की, बेटी युग के नए दौर की। आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। मैं फिर से इस पंक्ति को करता रिपीट। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। मतलब पुराने दौर में क्या था कथा? बेटियों को नहीं पढ़ाना, सिर्फ बेटे को। तो वह बात अब पुरानी हो गई, ओल्ड हो गया, उसे हम छोड़ चुके हैं। बेटी युग के नए दौर की, आओ लिख ले नई कहानी। यह बेटियों का युग है और इसमें बेटियां लड़कियां नई नई कहानियां लिख रही। क्या कहानियां लिख रही है? कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई डीएम बन रही है, कोई एसपी बन रही है, कोई साइंटिस्ट बन रही है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, तो कोई देश का रक्षा में चला गया है, तो कोई स्कूल में पढ़ा रही है, कोई बैंक का ऑफिसर बनी हुई है। तो बच्चों, बेटियों ने कई तरह की कहानियाँ लिख दी और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बेटियाँ अब नौकरी नहीं कर रही है और अपनी सेवा नहीं दे रही है। समझ गए बच्चों? आगे, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी लेने इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। मैं फिर ये चार पंक्ति बोलता हूँ। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी लेने इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब विकास करेगा, उनके यहाँ सारे तरह का फैसिलिटीज़ होगा। फौलादी ले नेक इरादे, इरादे कैसे होना चाहिए? फौलादी, फौलादी का मतलब हमें एकदम मजबूत इरादा से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, कोई तुम्हारा इतिहास नहीं गढ़ेगा कि फलना ने पढ़ाया। लड़कियां क्या कहेगी? मैं खुद पढ़ लिख के डॉक्टर बनी हूँ, साइंटिस्ट बनी हूँ, इंजीनियर बनूँ, SPDM बनी हूँ। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी तब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश पढ़ेगा मतलब लड़के लड़कियां सब समान रूप से जब शिक्षित होगी तो हमारा देश भी बढ़ेगा। देश बढ़ेगा नहीं, देश दौड़ेगा। और तरुण जवानी जो लड़कियां हैं वह क्या करेगी? देश को आगे बढ़ाने ले जाएगी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। नानी दादी की जो पुरानी कहानी थी कि बेटियों को नहीं पढ़ाना है, वह पुरानी चीज़ है जिसे हम लोग छोड़ चुके हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। बेटा शिक्षित होता है तो आधी शिक्षा है, और यदि घर के बेटा और बेटी यदि दोनों शिक्षित होती है तभी वह घर पूर्ण रूप से शिक्षित कहलाता है। हमने सोचा मनन करो, तुम सोचो समझो करो समीक्षा। और सबको इसको मन में बिठाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसका समीक्षा करना पड़ेगा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। सारा जग, जग मतलब संसार, संसार में शिक्षामय कर देना है यह हमने सोचा है और यह मन में ठान भी लिया है। ठान मतलब इरादा कर लिया है। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगा। अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़ मतलब बच्चों जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब कोई अनपढ़ नहीं होगा, सरकार भी एक से एक प्रोग्राम बना रहा है बच्चों के लिए ताकि बच्चे के पास
पढ़ने लिखने का पैसा हो सके, और लड़कियों को कई जगह मुफ्त में एडमिशन दिया जा रहा है, कॉपी किताब दिया जा रहा है, लड़कियों को कई तरह की योजनाओं से राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें ऐसे ऐसे योजना ला रही है ताकि लड़कियों की पढ़ाई बीच में ना छूटे। इसलिए कोई अब अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथ में पुस्तक होगा। ठीक है बच्चों, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। ज्ञान की गंगा, एक गंगा है जो समुद्र से निकलती है, जल वाली गंगा, और अब क्या होगा, ज्ञान की गंगा, मतलब शिक्षा से जो ज्ञानी लोग बनते हैं वह पावन धारा, पवित्र धारा जो है सब आंगन में पहुंचेगा, मतलब हर घर तक पहुंचेगा। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। ये नानी वाली जो कथा कहानी है कि बल्कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करना है, वह पुरानी बात हो गई। अब पुस्तक और कलम ही जो है हमारा हथियार हो गया, हमारा वेपन्स हो गया, ताकि उसके सहारे लड़कियां पढ़ लिख कर और अपना जीवन खुशहाल बना सकती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, बेटी युग सम्मान पर्व है, यह बेटी का युग जो है बेटियों को सम्मान देने का अवसर है, सम्मान आदर रेस्पेक्ट देने का अवसर है। यदि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो सचमुच हम उसका आदर सम्मान कर रहे हैं। जिन घरों में अभी भी बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है उन्हें पढ़ने का समान अवसर नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं कि बहुत सारे घरों में ऐसा है कि बेटों को पढ़ने के लिए अवसर दिया जाता है, लेकिन बेटियों को जल्दी जल्दी विवाह करने की ताक में रहते हैं गार्जियन। लेकिन सही बात है कि जिन घरों में बेटियों को भी पढ़ने का भरपूर मौका मिल रहा है उन घर के लोग स्त्री जाति को सच में सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, बेटियों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो यह पुण्य का पर्व है, यह त्यौहार है, खुशियों की बात है, और ज्ञान का पर्व है ये। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। यदि हम लोग सब कोई इस बात को मन में गांठ बांध लें कि हम लड़कियों को लड़कों के साथ उतना ही पढ़ाएंगे जितना हम लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कों को जितना काबिल बनाना चाहते हैं, यदि हम लड़कियों के लिए भी वही भाव अपने मन में रखें और उसके लिए तन मन धन से हम उनके पीछे खर्चा करें, उनके पीछे समर्थन करें, उन्हें आगे बढ़ने का भरपूर मौका दें, तो सच में जन जन का उत्थान का पर्व हो जाएगा। हमारा सारा राष्ट्र का हर एक आदमी के घर में क्या होगा, खुशहाली आ जाए। उत्थान पर्व मतलब सब जो है आगे बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। उत्थान जो है वह आगे के कर्म को कहते हैं, हम जो आगे बढ़ते हैं उसी का ये बात है। बच्चों मैं फिर से पढ़ाता हूँ, बच्चों नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, औलादी लेने किरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुए पुरानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी,
ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। बच्चों यह कविता तुम्हें याद करना है, लिखना भी है, पूरा कविता को लिखना है और पूरे कविता को याद करना है और इसके जो अर्थ दिए गए हैं इसे भी तुम्हें याद करना है। जग मतलब संसार यानी दुनिया, इरादा मतलब विचार, मनन मतलब सोच समझकर, ठानी मतलब दृढ़ निश्चय, पर मतलब त्यौहार, फौलादी मतलब बहुत मजबूत इरादा, तरुण मतलब युवा, समीक्षा मतलब गुण दोष का विवेचन करना, सम्मान मतलब आदर करना, उत्थान मतलब उन्नति और विकास करना, नेक मतलब अच्छा भला, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा, पावन मतलब पवित्र, ताकत मतलब शक्ति। बच्चों ये अर्थ भी तुम्हें लिखना याद करना है, ये कविता भी याद करना है और अच्छा से करना है। मैं अभी अटेंडेंस भेज दूँगा, उसके बाद सभी को मैं कहता हूँ घर में अपना बैठे रहो, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना। जो घर से बाहर निकलता है उसे मास्क लगा कर निकलना है, हैंड ग्लव्स लगा कर निकलना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, अच्छा खाना खाना है और काढ़ा भी पीना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।